Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नकल चुप रहो जाने दो खुशी की है ये पल ये पल ये पल खुशी की है ये पल ये पल ये पल खुशी की है ये पल मेरी वाइफ के लिए मुझे तो पहले ही शक था ये फवाद साहब जरूर कोई बड़ा काम करेंगे। ओफो तुम तो चुप करो। किधर है फवाद? अब आए मेरे साथ। चलो। पर तुम फिक्र नहीं करो। मेरी सर से बात हो गई है। उन्होंने जो मशवरा दिया है ना, वो जरूर काम आएगा। ओ मलिया जी, ये पागलों के डॉक्टर हैं। जो फवाद साहब को रात को सोते में चलने की आदत है ना, उसी का तो इलाज करने आए हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया करामत। नहीं नहीं, मैं बस ये कह रही हूँ कि तुम फवाद को मना लो कि वो डॉक्टर से मिल ले। और हाँ, वो मैंने तुम्हारा एक चेक तैयार किया है 25 लाख का। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, मैं पागल, यार बताओ मैं पागल नहीं हूँ। हाँ, ये कोई मरीज नहीं कहता। देखिए, इसका फैसला तो मैं करूंगा ना कि आप पागल हैं या नहीं है। आएगी सबकी शामत। लगता है बिजली का झटका लगने से तुम पागल हो गए हो। ना बेवकूफ, पागल तो वो हैं जिनके घर बिजली नहीं आ रही। मैं नहीं। देखो करामत, तुम ठीक हो जाओ वरना मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी सर से। सर, सर, ये वही सर है ना जिसने मेरी जिंदगी अजाब की हुई, जिसने मुझे तंग किया हुआ है। आज मैं सर को भी नहीं छोड़ूंगा। हट जाओ मेरे सामने से, पारो हट जाओ। ये वही शख्स है, ये वही शख्स है जिसकी वजह से मुझे सख्त गर्मी में ये सूट पहनना पड़ा। ये वही शख्स है जिसकी वजह से मुझे गर्मी दाने निकल आए। पारो हट जाओ मेरे सामने से। करामत, मैं पारो नहीं हूँ, मैं बानो हूँ। बानो तो क्या फर्क पड़ता है, तू पारो या बानो, आज मेरा भी आखिरी दिन है। इस पिस्तौल के छह की छह गोलियां मैं तेरे सीने में उतार दूंगा आज। नहीं 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 करामत, मैंने ये सूट आज ही पहना है। तो जाओ कपड़े बदलो, फिर गोली मारूंगा तुझे। देखो, तुम्हारे पास इस पिस्टल का लाइसेंस है? हाँ, लर्निंग है। लगता है तुम तो बिल्कुल पागल हो गए हो। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। डॉक्टर? साइमन मैडम। डॉक्टर? ये वही डॉक्टर है ना? नहीं, मैं इस डॉक्टर को भी नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं इस डॉक्टर को, मैं इसको भी गोली मार दूंगा। आप इसका, आप इसका, आप इसका, उई उई वाह उई उई, मेरा अपना पांव आ गया मेरे पांव पे। उई उई, मैंने कहा था ना ये डॉक्टर खुद पागल है। अब पता नहीं फवाद कहाँ चले गए। आया था फवाद का इलाज करने, खुद कमरे में बेहोश पड़ा हुआ है। पहले पता होता ना कि ड्रामा इतना महंगा पड़ेगा तो कुछ और सोच लेते। मैं तो सोच रही हूँ कि फवाद अगर वापस नहीं आया तो मैं अंकल को क्या जवाब दूंगी। साइमा मैडम, साइमा मैडम, साइमा मैडम, पता नहीं करामत को क्या हो गया, वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है और डॉक्टर को ढूंढ रहा है। क्या? मुझे तो लगता है बिल्कुल पागल हो गया है वो। अब क्या होगा मलिहा? तुम लोग से बताया था नहीं कि डॉक्टर कहाँ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब क्या करें मलिहा? मुझे क्या पता, मुझे तो वैसे ही फवाद की टेंशन हो रही है। साइमा मैडम प्लीज कुछ करें, वरना मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। बच्चे? तुम्हारे कौन से बच्चे हैं? वो जी कभी ना कभी तो बच्चे होंगे ना। वैसे मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, अगर करामत ठीक ना हुआ ना तो मैं उससे शादी नहीं करूंगी। तुम तो चुप करो, कहाँ है करामत? वो जी लॉन्च में, आप आए मेरे साथ। इधर भी, इधर भी,
बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुम पागल डॉक्टर, वाकई में करामत करामत करामत। नहीं मलिया, माय स्वीट डार्लिंग, इन हालात में मैं तुम पर भी भरोसा नहीं कर सकता। लगता है फवाद इस बार वाकई भाग गए। ओफो, अब क्या होगा? डॉक्टर बार बार पूछ रहे हैं, कहीं वो अंकल को फोन ना कर दे। मेरा बस चले ना तो उस डॉक्टर नफसा नफसी का गला दबा दूं। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। क्या मुसीबत है। अंदर आ सकता हूँ मैं? हाँ, आप अंदर आ चुके हैं। वो दरअसल मुझे आपसे एक बात करनी थी। मुझसे? जी बोले। आप अपने साथ जुल्म कर रही हैं खातून। अच्छा जी, आप जैसी हसीन खातून को तो अकेला बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, वरना आपका दिमाग खराब हो जाएगा। डॉक्टर नफसा नफसी, आप मेरा नहीं फवाद का इलाज करने आए। जी वो तो मुझे बिल्कुल पता है, लेकिन आपका ख्याल रखना भी तो मैं अपना फर्ज समझता हूँ ना। फिलहाल तो आप शर्म करें। अच्छा, आपके ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए? मोहब्बत। ओह मोहब्बत, इतना मुश्किल काम, पर मोहब्बत क्यों? देखिए, आपको एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो आपको ये एहसास दिला सके कि आप अकेली नहीं है। वाकई डॉक्टर, आपने मेरे दिल का हाल जान लिया। मुझे परसों से ऐसे शख्स की तलाश है। आपकी नजर में है कोई? मैं हूं ना। वो आप कोई डिनर की बात कर रहे थे ना, तो हमें डिनर पे जाना है, तो आप तैयार नहीं होंगे? अभी ले, थैंक यू। ये क्या था? एक और ड्रामा। इस नफसा नफसी के बच्चे को तो मैं ऐसा ठीक करूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। उफ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर उसने अंकल को फोन कर दिया तो? फिक्र ना करो, अभी इस वक्त तो उसे कुछ याद नहीं रहेगा। अब बस हमें एक टेंशन है कि हमें रात के खाने से पहले फवाद को ढूंढना है। ओह समझ गई, तुमने सिर्फ वक्त जाया करने के लिए डॉक्टर नफसा नफसी को बोला है। तो तुम्हें क्या लगता था कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई है? मगर हम फवाद को ढूंढेंगे कहाँ? सोचना पड़ेगा। 3-4 जगह जहाँ फवाद जा सकते हैं। कहाँ? अरे डॉक्टर साहब, क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हैं। वाह यार वाह करामत, मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरी जिंदगी में बहार आ गई यार, मैं फिर से जवान हो गया हूँ। अरे वाह डॉक्टर साहब, ऐसा क्या हुआ? मैं करूँ, आपको जरूर फवाद साहब को ठीक करने की दवाई मिल गई है ना। बाढ़ में क्या फवाद, मुझे अपनी तन्हाई दूर करने की दवाई मिल गई है यार, मेरी जिंदगी फिर से खुशियों से भर गई है। अरे वाह, ऐसी कौन सी दवाई मिल गई? मलिया और मैं खाने पे जा रहे हैं इकट्ठे रात को करामत। बहुत ही अच्छी बात है ये डॉक्टर साहब। वैसे यार करामत, एक बात सोचो, मैं और मलिया एक साथ। लानत भेजता हूँ मैं ऐसी सोच पर। कुछ कहा तुमने, कुछ कहा। अरे नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपको क्या कह सकता हूँ क्या कह सकता हूँ आपको, मैं आपके लिए बहुत खुश हो रहा हूँ डॉक्टर साहब, आप बस तैयार हो जाके। थैंक यू करामत, थैंक यू। मैं तुम्हारा किस तरीके से शुक्रिया अदा करूँ करामत, प्लीज ना जाके। गले गले लग जाओ करामत। करामत कोई बात नहीं, आज मौसम बड़ा बेईमान है। फवाद, आपको इससे भागना नहीं चाहिए था। इससे साबित हो गया कि आप मुझसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करते। मुझे बहुत अफसोस हुआ है। फवाद, मैं खुदकुशी कर रही हूँ। खुदा हाफिज। अब तो फवाद के अच्छे भी फोन करेंगे। ओ नो, मलिया अभी खुदकुशी ना करना, अभी नहीं, ठहर जाओ एक मिनट, एक मिनट।
है क्या? मलिया मैं स्टोर रूम में हूँ ना। स्टोर रूम में क्या कर रहे हैं आप? मलिया मैं अपनी जान बचाता फिर हूँ, वरना वो डॉक्टर जो है ना तुम्हारी आंखों के सामने मेरी जान ले लेता। ओहो फवाद, आप फौरन बाहर निकले। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आ रहा। अगर उस डॉक्टर ने मुझे देख लिया तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगा। ओहो फवाद, आप समझ क्यों नहीं रहे, डॉक्टर को मुतमईन करना बहुत जरूरी है। अच्छा, डॉक्टर को मुतमईन करना जरूरी है चाहे मेरी जान चली जाए? कुछ नहीं होगा फवाद, मैं हूँ ना। हाँ तो तुम तो उस वक्त भी थी जब वो तार लेके मेरी तरफ बढ़ रहा था। देखें, अगर आप बाहर नहीं निकले ना तो मुझे फिर रात को उस डॉक्टर के साथ खाने पे जाना पड़ेगा। क्या? खाने पर? क्यों? अब उसका ध्यान बिठाने के लिए कुछ तो करना था ना। ओहो, क्या मुसीबत है। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे कमरे में आ रहा हूँ, किसी को ना बताना, मैं सीधा तुम्हारे कमरे में आ रहा हूँ। ओके ओके, लेकिन जल्दी से, हाँ, इससे पहले कि डॉक्टर नफसा नफसी तैयार होकर यहीं आ जाए। ऑलराइट, आई विल सी यू, बाय। क्या मुसीबत। फवाद, आप कहाँ चले गए थे? ए मलिया, मेरे से बात मत करो, मुझे इतनी भूख लग रही है, पहले जाके मुझे खाना ला दो थोड़ा सा। अच्छा। अब मैं अंदर आ सकता हूँ? ये तो डॉक्टर आ गए, पागल डॉक्टर आ गए, मुझे छुपाओ कहीं, मुझे मुझे बचा लो, मुझे छुपा दो। आप ऐसा करें, पर्दे के पीछे छुप जाएं। पर्दे के पीछे? आ रहे? अंदर आ सकता हूँ मैं? अभी तक तैयार नहीं हुई आप? वो बस मैं तैयार होने जा रही थी। ये आपके लिए। अगर मेरी मश पूरी ना होती ना तो ये फूल पूरी कब्र के सीने में बना देता। देखिए, मुझे आपसे कुछ कहना था मलिया जी। वो बात यह है कि मैं आपको ऐसी जगह पे लेके जाना चाहता हूँ जहाँ पे सिर्फ मैं और आप हूँ और हम लोगों को ये जालिम दुनिया डिस्टर्ब ना करे। फवाद? फवाद? कहाँ है फवाद? कहाँ है फवाद? मेरा मतलब है, मुझे फवाद से पूछना पड़ेगा, नहीं तो वो बुरा मना जाएंगे ना। वो कौन होता है आपकी जिंदगी का फैसला करने वाला? शौहर। मेरा गला खराब है। शौहर? जी शौहर? मतलब मेरे शौहर का भाई। मलिया जी, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि अब अगर आप सारी बातें यही कर लेंगे तो डिनर पे तो मैं भूल हो जाऊंगी ना। चले ठीक है, फिर आप तैयार हो जाएं। आई एम वेटिंग। फूल कहाँ गया? फूल उसे तो मैंने दिल के पास छुपा के रखा। थैंक यू। मैं इस डॉक्टर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। किस तरह उसकी हिम्मत कैसे हुई कि तुम्हें खाने के इनविटेशन दे? मैं कहता हूँ मैं इसको छोड़ूंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे पकड़, मुझे छोड़। अच्छा देखे, सुने सुने, रिलैक्स करें। देखिए, मैंने कितने अच्छे से आपकी टांगे नहीं दबाई यार, मैं आपकी टांगे दबाती हूँ, प्लीज फवाद, प्लीज प्लीज। अच्छा हाँ, चलो। अब उसको थोड़ी पता था कि मैं आपकी बीवी हूँ। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें दोबारा कह रहा हूँ, तुम उसके साथ डिनर पर नहीं जाओगी, समझी तुम? मुझे कोई शौक थोड़ी है उसके साथ डिनर पे जाने के लिए, वो तो आप मिल नहीं रहे थे तो इसलिए इसको टरखा दिया मैंने। अब मैं तुम्हें तीसरी दफा कह रहा हूँ, खबरदार जो तुम उसके डिनर पे गई ना तो मैं उसका खून चूस लूंगा। आप मेरा हाथ छोड़े वरना मैं दोबारा छोड़ दूंगी। ओह अच्छा, ड्रामे। आप यहाँ पे बैठी मैगजीन पढ़ रही हैं और वहाँ आपका सुहाग उजड़ गया है। क्या मतलब? आप बेवा हो गई हैं, आप बेवा, साइमा मैडम बेवा हो गई हैं आप। क्या फवाद को कुछ हो गया? फवाद मर गया है, समझे, मर गया है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? जिसका शौहर बेवफाई करे उसे मरा हुआ ही समझना चाहिए। क्या मतलब है इस बात का? कैसे बताऊं कि क्या हुआ? साहिमा जी, आपका शौहर एक नंबर का दो नंबर आदमी है, शादी आपसे की हुई है, अपनी भाभी से चक्कर चला रहा है। मलिया, क्या क्या ख्वाब सजाए थे मैंने तुम्हारे साथ, तुमने तो सबका गला ही घोट दिया। ओहो, इस
उसे तो सब पता चल गया है। सबर करें डॉक्टर साहब, सबर करें। हम दोनों के रूप पर एक जैसे ही जख्म है, सबर करें। मैं तो मलिया की यादों के सहारे जिंदगी गुजार लूंगा, आप क्या करेंगी? फिक्र ना करें डॉक्टर साहब, मैंने फवाद को छोड़ने का इरादा कर लिया है, मैं उसे बहुत जल्द छोड़ दूंगी। ये बहुत अच्छा करेगी आप, क्योंकि मैं तो इस घर से जा रहा हूँ, मैं इस घर में रहना ही नहीं चाहता। अगर आप चले गए तो फवाद का इलाज कौन करेगा? लानत भेजें इलाज के ऊपर, मुझे नहीं करना है फवाद का इलाज। तो आप अंकल से क्या कहेंगे? अंकल से मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं तो यहाँ दोबारा आना ही नहीं चाहता। जंगल में जा रहा हूं मैं, संन्यास ले रहा हूं मैं। और हाँ, मलिया को कहिएगा कि मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। खुदा हाफिज़। थैंक गॉड, ये पहली मुसीबत है जो खुद ही टल गई। अब फवाद घर कब आएगा? मलिया, मैंने तुम्हें कह दिया, कोई जरूरत नहीं जाने की। फवाद समझा करे ना, वो डॉक्टर आपका इलाज नॉर्मल तरीके से करेगा। अब तो वो मेरी हर बात मानेगा। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, डॉक्टर साहब चले गए। क्या कहा? पता नहीं, कह के गए हैं कि आइंदा इस घर में कभी नहीं आएंगे। क्यों? मेरा ख्याल है कि उसने तुम दोनों को देख लिया था, और बिकॉल उसके कि मलिहा ने उसकी रूह को जख्मी किया है, इसीलिए चला गया। चलो शुक्र है मेरी रूह ने कोई अच्छा काम तो किया। और तुम कहाँ चले गए थे? जाना कहा था, स्टोर रूम में छुपा हुआ था। क्या, स्टोर रूम में? हाँ हाँ, हंसो, तुम दोनों औरतों ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अब कहाँ जा रहे हैं फवाद? फिक्र ना करो, मैं भाग नहीं रहा, इतने घंटे स्टोर रूम में गुजारे हैं ना, अब जरा ताजा हवा भी चाहिए मुझे। बेचारा नफसा नफसी, उसका डिनर ही रह गया। आप कबर कहाँ से आए? यार मैंने तुम्हें हजार दफा कहा, जब मैं बाहर जा रहा हूँ तो मेरा रास्ता ना काटा करो। वो इतने गुस्से में क्यों है? आपके लिए और डॉक्टर बुलवा दूंगा। मैं पागल लगता हूँ तुम्हें? मुझे डॉक्टर तुम क्यों बुलाओगे मेरे लिए? तुमने बिल्ली एक और डॉक्टर बुलवा लिया? ठहरो, मैं इस डॉक्टर की तुम्हें खैरियत में पूछता हूँ ना। डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, इस घर में कोई पागल नहीं है, हम सब ठीक है, हमें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं। मेहरबानी करके, आप क्या बात है यार, मुझे डॉक्टर को भगाने दो, चुप करो। आप मेहरबानी करके यहां से चले जाएं, प्लीज। ये देखिए पवार साहब। हाँ, ये डॉक्टर नहीं, साइमा मैडम के अंकल हैं। अच्छा, आइए। तुम कौन? शौहर। किसके? साइमा का। तो फिर बाहर निकलने की कोशिश क्यों कर रहे हो? कहाँ है सायमा? सायमा जी यहीं कहीं होगी। What do you mean by यहीं कहीं होगी? वो तुम्हारी वाइफ है या बिल्ली का बच्चा है जो यहीं कहीं होगा? सायमा ने भी पता नहीं किस गधे से शादी करनी है। मुझ जैसे गधे से शादी की? क्या, मुझे ये खुसर पुसर करने वाले लोग कतन पसंद नहीं है, समझे? अरे मुझे भी ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं अंकल। मेरी और आपकी आदतें कितनी आपस में नहीं मिलती। हेलो सर, आप आ गए? नहीं, अभी नहीं आया। कैसे हैं आप? ऐसे ही हूँ। जाओ जाकर सायमा को बताओ हम आ गए। मैं जाके बताता हूँ। एक मिनट, ना तो तुम्हारा नाम बानो है और ना मैंने तुमसे कहा है। सिट डाउन हियर। जाओ जाकर सायमा को इतला दो हम आ गए हैं। जी सर। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मुझे क्या होना था? वो था ना तुम्हें नींद में चलने की वो बीमारी बीमारी। ओह हाँ वो। हाँ नहीं, अब बेहतर है। बेहतर से क्या मतलब? मेरा मतलब वो अब। हेलो अंकल। हेलो। आप अचानक इस तरह? हाँ बेटा, मैं अचानक आकर तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहा था। तुम्हारे शोर से मुलाकात हुई, बड़ा अफसोस, दुख और बड़ी शर्म आई बेटा मुझे। नहीं नहीं अंकल, फवाद तो बहुत अच्छी है। चिंकल, मैं बहुत अच्छा हूँ। तुम खामोश होकर नहीं बैठ सकते? सॉरी अंकल।
ये कौन है? अंकल ये मलीहा है। ये क्यों है? अंकल ये फवाद की भाभी हैं और हमारे साथ रहती हैं। अच्छा, तो ये फवाद के और कौन कौन से रिश्तेदार यहाँ क्याम पजीर हैं? नहीं नहीं अंकल, और कोई नहीं। हेलो अंकल, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर तुमसे मुलाकात होगी। जी मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ, फिर आपसे मुलाकात। तुम कहाँ जा रहे? मैं अपने कमरे में ना जाऊँ। बाहर ना। इनके नाम अंकल फिरौन? नहीं, दावर। अंकल दावर फिरौन। अच्छा, आपसे रिश्ता है।